हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मीठी सौंठ की चटनी। ये चटनी समोसे, कचौड़ी, डोसा, चीला, दही बड़े किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये शादियों में बनने वाली सौंठ की चटनी है। ये किस तरीके से बनती है आइए मैं इसको बताती हूँ आपको। आप इसको एक महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए लिए है मैंने थोड़ी सी किशमिश, इसको पानी में भिगो दिया था। ये हम 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है। आप चाहे तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा के भी ले सकते हैं। ये 2 चम्मच भर के मैंने लिए खटाई पाउडर, 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच सौंफ को पीस लिया था हमने, 1 चम्मच लिया है मैंने जिंजर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से। ये चटनी बिल्कुल शादियों में बनने वाली सौंठ की चटनी है। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला, इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। देखिए पानी में उबाला आया, जैसे ही उसमें हम गुड़ डाल देंगे और चीनी दोनों एक साथ डाल के इसको पकाएंगे। आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। इसको थोड़ा पकने देंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। 10 से 12 मिनट में ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। मसाले भी इसमें डाल देंगे सारे मसाले। मसालों को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा क्या क्या मसाले डाले हैं। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी, एक बार आप इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारा गुड़ घुलना शुरू हो गया है। अब जो खटाई पाउडर था इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगा देंगे। देखिए उबाला आना शुरू हो गया है, थोड़ा गुड़ रह गया है हमारा घुलने के लिए। ये देखिए सब 10 से 12 मिनट हुए, चटनी पकना शुरू हो गई है। ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको, नहीं तो ये थोड़ी टाइट हो जाएगी। अब जो हमारा खटाई पाउडर था वो भी डाल देंगे इसमें। 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसको। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है इसमें। अब लास्ट में गैस बंद करने के बाद इसमें किशमिश डाल देंगे। कई लोग इसमें छुआरे और खजूर भी डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं आप। 5 से 6 मिनट चटनी को मीडियम आंच पर और पकाएंगे, थोड़े हिलाते रहेंगे नहीं तो ये चिपक जाएगी बीच में से। देखिए इस तरीके से पकने लगेगी तो बस इसको गैस को बंद कर देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये खट्टी मीठी सौंठ की चटनी है। देखिए किस तरीके से बनेगी, कितना अच्छा इसमें लेस आया है। गैस को बंद कर देंगे, चटनी हमारी तैयार है, इसको ठंडी करने के लिए रखेंगे। आप इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए, ये नहीं खराब होती। ये देखिए ठंडी हो गई है, इस तरीके से बनेगी चटनी। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, ये समोसों से, कचौड़ी से, डोसे से, चीले से बहुत अच्छी लगती है। आइए इसको सर्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे लिख के जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।